है ना। अगर मैं एक बहिष्यत उस्ताद के क्लास में या स्कूल में या बाहर मैं जो है सिगरेट नोशी में करता हूँ, और अगर मैं लड़के से बच्चे से ये कहूँगा मेरे अपने मदरसे में या स्कूल में वगैरह, बच्चों सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए, नो स्मोकिंग, तो अंदाजा लगाइए कि मेरा बच्चा जो है क्या सीखेगा उसमें। वो तो मुझे देख रहा है कि मैं सिगरेट नोश कर रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, और फिर मैं उससे कह रहा हूँ कि बेटा ये नहीं करना चाहिए। अगर इस किस्म की जो है हमारी कैफियत है ना, दोहरापन अगर मेरी ज़िंदगी में हो, तो जाहिर है ये तवक्को मैं करूँ कि सिर्फ स्कूल जो है, स्कूल से कोई जो है एक कैफियत आ जाएगी एकदम यहाँ से, ज़रा मुश्किल मामला है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल मामला है। मुझे उम्मीद है कि ये जो स्कूल है स्लेट दी स्कूल जो है, उम्मीद है कि तालीम के साथ साथ ABCD सिखाने के साथ साथ उनकी जो है अखलाकी तरबियत का भी जो है खातिर का एहतमाम करता है। इससे अंदाज़ा हुआ कि इब्तदाई प्रोग्राम की इब्तदा हुई अल्लाह के कलाम की तिलावत के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नात पढ़ने के साथ हुई, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है, जैसे आप ही ने कहा, मखाला बुजुर्गों ने कहा है कि सारे बर्तन वाले जो है हर दाने को जो है देखते नहीं, और ये नहीं कहते कि अब पक गया है, एक दाने को जब देख लेते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है। तो इससे भी मुझे ये अंदाज़ा हुआ आज यहाँ पर शिरकत करते हुए कि ये स्कूल ये पूरा केयर लेता है कि बच्चों के अखलाक भी सुधरें। तो मुझे पूरी तवक्को है कि एक तरफा तालीम ना होकर तालीम के साथ तरबियत का भी खातिर खात एहतमाम इस स्कूल में है। बातें ऐसी बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन एक आध बाज़ खुद बच्चे भी हैं, हालांकि इनको भी समझ में नहीं आएगी बात, मैं जो कह रहा हूँ शायद इनके समझ में नहीं आएगी, लेकिन कम अज़ कम माँ बाप जो है इस बात को अर्ज़ करेंगे, मुझे ऐसी तवक्को है। मैं एक आध स्टोरी के तौर पर स्टोरी किया है, और आज समाज से लेकर हुकूमत तक भी एक्टिव है इस सिलसिले में। मसलन हुकूमत के कई स्कीम्स हैं बच्चों की तालीम के सिलसिले में उस लड़की को, और उसको उसकी ज़िंदगी में सौतेली माँ का सुपड़ी में एक झोपड़ी किराए से लेकर वहाँ पर क्या कहते हैं ट्यूशन देते हुए अपनी तालीम को आगे बढ़ाती रही। PhD की भी आज वो स्कॉलर है, PhD में भी दाखिला वो लड़की ले चुकी है, और 90% से ज़ायद वो अपाहज है, खुद चल नहीं सकती है, दूसरों की मदद से वो चलती है, साइकिल भी उसको दूसरे मदद करना पड़ता है। उस लड़की ने जब ये ठान लिया कि मैं अंग्रेज़ी सीखूंगी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ और मैं दूसरों के साथ कम्पीट करूँगी, तो वहाँ एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। उस इंस्टीट्यूट में उनके लिए एक मुसाबिका रखा गया, मुकाबला, साथ जो स्मार्टफोन है उस पर उम्मुल खैर मारना, देखना, समझना, अपने बच्चों को भी बताने की कोशिश करना, उससे बहुत सारे सबक हमको मिलेंगे। दूसरा एक वाकया एक लड़के का है जो अंसर अहमद शेख है, जालना से आता है, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में जालना एक टाउन आता है, वहां से आता है लड़का। इसके वालिद ऑटो चलाते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट सैयद महमूद रिजवी सर टू कम ऑन द डाइस एंड डिलीवर हिज स्पीच। अब सब उससे वाकिफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुरादनगर के हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। आपके स्कूल की जो प्रिंसिपल है मिसेस सुभानी, इनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इनकी काबिलियत के एतबार से, इनके तजुर्बे के एतबार से, इनकी शफ़क़त और महब्बत के एतबार से इस स्कूल से मैं वाकिफ हूँ। जो पहले का जो मैनेजमेंट था मैं उनसे मिला भी हूँ, उनसे मेरी कई जगह कई बार गुफ्तगू भी हुई। उसके बाद जब हमारे फैसल हसन साहब और मोहम्मद हबीब साहब इस स्कूल को संभाला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर, और फिर जो कि एजुकेशनल जो लेवल है यकीनन वो अपने एक स्टैंडर्ड के ऊपर है। और मैं समझता हूँ आज जो ये जलसा, ये जो असेंबली हो रही है यहाँ पर, जो सेलिब्रेशन हो रहा है 4th एनिवर्सरी का, यकीनन मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोग्राम, एक बेहतरीन प्रोग्राम है सबको जमा करने का, एक दूसरे से मिलने मिलाने का। ज़ाहिर है पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो होती रहती है,
लेकिन ये वन टू वन होता है, लेकिन पेरेंट्स बहुत सारे इकट्ठा एक जगह नहीं होते। इल्मी एतबार से, एजुकेशन के एतबार से, हर एंगल से मैं मुतमईन हूँ, इसलिए एक तजुर्बेकार, एक काबिल प्रिंसिपल साथ जुड़ी है। अल्लाह ताला से हम सब हमेशा यही दुआ मांगते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह हमारे इल्म में और इजाफा फरमा। लेकिन ये दुआ हम मांगते क्यों हैं? क्या दुआ सिर्फ इसलिए मांगी जाती है कि हम सिर्फ दुनिया का इल्म हासिल करें और उसके बाद आखिरत का कोई तस्वीर हमारे दरमियान ना हो? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का अजीम एहसान है हम सब पर। यह एहसान क्या है कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान वाले घर में पैदा किया है। यह सबसे बड़ा एहसान है उस खालिक़े कायनात का। तो हमको चाहिए कि हम अपने ईमान को कैसे सलामत रखते हैं। अगर शायद अगर हम मूसा के दौर में पैदा होते तो हम भी यहूदी होते और हमारी सारी नस्लें क़ियामत तक के यहूदी होती। और अगर हम ईसा के दौर में पैदा होते तो शायद हम ईसाई होते और हमारी सारी नस्लें क़ियामत तक के ईसाई होती। या फिर अगर किसी और मज़हब में पैदा होते तो हम भी शायद अल्लाह के घर की तरफ रुख करने के बजाय, अल्लाह का नाम लेने के बजाय किसी और माबूद को पुकारा करते। तो अल्लाह ताला ने हमको एक अजीम इम्तिहान से हमको बचा लिया। तो हमको चाहिए कि हम इस अजीम नेमत के मालिक होने के बाद किस इज्जत के साथ हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हाजरीन, अल्लाह ताला अपने कलाम में माँ बाप की अहमियत को बड़ी बुलंदी पर ले जाकर बताया है, बहुत बुलंदी पर। इसलिए कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे को संभालती है 9 महीने तक, उसके बाद कितनी तकलीफ़ से वो पैदा करती है, उसके बाद उसको कैसे तरबियत देती है, उसे 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर बाप इसकी परवरिश में सारा काम बाहर का करता है, रहने का, खाने पीने का सारे इंतज़ाम करता है। तो पता चला कि माँ बाप की जितनी अजमत है उससे ज़्यादा जो है बच्चों की कीमत है। लेकिन हम अपने बच्चों की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाते। खुदा की कसम जिस दिन पता लग, ईमान को सलामत रख। अल्लाह के रसूल सोसम से नस्बत अदा की है, मालिक इस नस्बत को सलामत रख। मालिक किसी बड़े आजमाइश में मुबतला ना कर, मालिक सेहत और आफियत के साथ रख, आफात और बलाइयत से दूर रख, हमारे घरों में सलामती रख। मैं देखता हूँ शादियाँ हो रहे हैं, 100 शादियाँ अगर होते हैं तो 20 शादियाँ टूट जाती हैं। ये किस वजह से? क्या इसमें माँ बाप का कसूर है? माँ बाप का कसूर होता होगा लेकिन कम, लेकिन कसूर होता है सोहबत का। सोहबत ऐसी बला है कि बच्चों की जो माँ बाप परवरिश करते हैं, तरबियत देते हैं, उस तरबियत पर भी वो गालिब आ जाती है। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों की कैसी हिफाजत करें, किस सोहबत में रखें, किस सोहबत से बचा लें। तो अल्लाह ताला भी हमसे यही कहता है, कूनू मा सादिकीन, कूनू मा सादिकीन, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, सच्चों के साथ उठे बैठे रहो। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. Request our guests to take their respective seats in the hall.
rahmatullahi wa barakatuhu. Praise be to Allah. Allah the Almighty indicted greeting among the Muslims to be Assalamu alaikum, which is better than another greeting. The meaning of salam is safety and protection from all the evils. It is compulsory to say salam and return salam, because while doing so, we wish safety for each other. Salam is the first level of righteousness, and it is the key to create love. By wishing each other, we develop a feeling of security. We all are aware of hadith. One is supposed to convey salam to known and unknown. So let's all spread salam among ourselves. Jazakallah. Free to welcome the guests, not only with flowers and bouquet, but our students here are eager and excited to greet each one of us in a school song. We are the students of New Slate School, and here they are. We are the students of New Slate School. Of nursery are in the jungle, yet they are not afraid of animals. Come on, let us all join them. We're not afraid walking in the jungle, walking in the jungle. We are not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Stop. Let's sing a song about animals. Okay. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Let's sing the animal song. Let's swing our noses like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Let's sing the animal song. Let's count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Let's sing the animal song. Let's fly like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Fly, fly, like a pelican. Let's sing the animal song. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Let's sing the animal song. Steps, three steps back. Stop. Let's sing a song about animals. Okay.
jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Jump, jump, like a kangaroo. Let's sing the animal song. Let's swing our noses like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Swing, swing, like an elephant. Let's sing the animal song. Let's count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Shake, shake, like a rattlesnake. Let's make a pelican. Fly, fly, like a pelican. Let's sing the animal song. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Sleep, sleep, like a koala. Let's sing the animal song. غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله